नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का 21 मई 2023 के कुछ खास खबरों में। मैं निशा और मेरी सहयोगी लेकर आ गए हैं आज कागज नगर और उसके आसपास की कुछ खास खबरें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जल्दी से खुले डायलिसिस केंद्र, कलेक्टर। गुडुम्बा बनाने वाला गिरफ्तार। तिरियाणी में खुला फूड प्रोसेसिंग प्लांट, 4 क्विंटल मछली बर्बाद। खरीदी केंद्र शुरू, अधिकारी गायब, किसान परेशान। लाश लेकर मनाया जन्मदिन। कुमरम भीम जिला कलेक्टर श्री हेमंत राव भोरकड़े जी ने आज आसिफाबाद सरकारी अस्पताल में बन रहे डायलिसिस केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस डायलिसिस केंद्र को जल्द से जल्द शुरू करने के प्रबंध किया जाए ताकि जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा पाए। साथ ही यहां लगातार पीने के पानी और करंट की व्यवस्था की जाए, जरूरत पड़े तो जनरेटर लगाए जाए, ऐसे आदेश कलेक्टर साहब ने दिए। महंगी शराब से लेकर सस्ते गुडुम्बा तक हर चीज पीने को मिलती है हमारे कागज नगर में। कल इस गांव में इस व्यक्ति को स्थानीय पुलिस ने गुडुम्बा बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये व्यक्ति सस्ते नशे के लिए गुडुम्बा बनाकर लोगों को कम दाम में बेचता था, जिससे कि लोग आए दिन बीमार पड़ रहे थे। किसी ने इस व्यक्ति की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद इसे आड़े हाथों लिया गया। इस व्यक्ति का नाम श्याम राव भोईरे बताया जा रहा है, जो कि आड़ेगुड़ा का रहवासी है। इसके पास से 10 लीटर गुडुम्बा सीज किया गया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फूड मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लायर स्कीम के तहत पहला फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुल ही गया। ये प्लांट तिरियानी में खुला, जहां रमा देवी बोमेना को 4-in-1 प्रोसेसर मिला। इस एक मशीन में गेहूं से लेकर मसाले सब कुछ पीसे जा सकते हैं। साथ में इसी में पैकिंग की व्यवस्था भी है। इस संदर्भ में स्थानीय सरपंच, तेलंगाना ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर ने केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा। ये दलित बंधु जैसी एक स्कीम है, जिसमें किसी की जाति देखे बिना उसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोल कर दिया जाता है। केंद्र सरकार की मत्स्य संपदा योजना के तहत रिब्बेना मंडल के नंबाला गांव में मौजूद तालाब में मछलियां पालने के लिए छोड़ी गई थी। इससे स्थानीय गंगापुत्र जाति के लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा था, लेकिन पता नहीं किसने इस तालाब में बिजली के तार छोड़ दिए, जिससे कि तालाब में मौजूद सारी मछलियां मर गई। स्थानीय गंगापुत्र संघ के सदस्य ने बताया कि करीब 4 क्विंटल से ज्यादा वजन की मछलियां मारी गई। इनकी कीमत बाजार में 80,000 रुपए से अधिक की थी। बिजली के तार छोड़ने वाले व्यक्ति ने ढेर सारी मछलियों की जान ले ली और ढेरों मछलियों की चोरी भी कर ली। बची खुची मछलियां तालाब में मरी हुई तैर रही थी। घटना दहेगांव मंडल के चौका गांव की है, जहां किसानों ने रास्ता रोक कर धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि स्थानीय नेताओं ने यहां पर एक धान खरीदी केंद्र शुरू किया था, लेकिन यहां कोई बैठता ही नहीं। अब धान बेचे तो किसको बेचे? अगर इस धान खरीदी केंद्र में किसी को बैठना ही नहीं था तो इसे खोला ही क्यों गया? किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी हुआ और अन्याय भी हो रहा है। जल्द से जल्द यहां धान की खरीदी शुरू करने की मांग के साथ किसान धरने पर बैठ गए। एक अजीबोगरीब घटना आसिफाबाद के सामने आई। आज आसिफाबाद के रहवासी सचिन चुनारकर का जन्मदिन था। कुछ दिन पहले ही सचिन ने 10वीं की परीक्षा दी थी। आज उसके जन्मदिन को लेकर सभी बेहद उत्साहित थे। रात के ठीक 12 बजे उसका जन्मदिन मनाने की तैयारी की गई थी, लेकिन 12 बजे के कुछ देर पहले ही 14 वर्षीय सचिन को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। सभी आश्चर्यचकित रह गए। खुशी एकदम से दुख में बदल गई। घर पर जन्मदिन मनाने आए सभी लोगों ने आंखों में आंसू लेकर सचिन की लाश के हाथों केक कटवाया, बर्थडे विश किया और उसके मुंह पर थोड़ा सा केक लगाया गया।